तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्रिस्पी चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। उससे पहले, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। मैंने 50 ग्राम चिकन लिया है, उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे धोकर सुखाया है। 1 टीस्पून मैंने शेजवान चटनी ली है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस लिया है, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है, 1 अंडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ली है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगैनो लिया है, 1 टीस्पून मैंने ग्रीन जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में हम सबसे पहले चिकन निकाल लेंगे, फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ओरिगैनो भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो ज्यादा डालें, कम खाते हो तो कम डालें। 1 एग ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड, ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देंगे, रेड चिली सॉस, और शेजवान चटनी। साथ ही हम इसमें चाट मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे। और नमक, नमक कम डालें क्योंकि हमने सॉस यूज़ किया है इसमें, सारे सॉसेस में नमक होता है, इसके लिए नमक थोड़ा ही यूज़ करें। साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। दोस्तों, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हमें इसे कोट करना है। तो कोटिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम लिया है, 1 कप ब्रेड क्रम लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ज़्यादा ना नमक ऐड करें। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चिकन के पीसेस को ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के उस पर कोट करें। इस तरह से कोटिंग कर ले। दोस्तों, हमने चिकन पॉपकॉर्न को ब्रेड से कोट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमने पहले ही तेल गरम करने रख दिया था, हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें सारे पॉपकॉर्न डाल देंगे। दोस्तों, चिकन एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसे पलटा देंगे। दोस्तों,
चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे टेस्टी और करारे चिकन क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। हमने इसे शेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी थी। इंशाल्लाह अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।